देखी ना, वो कि मैं उसे नहीं जानता। देखिए सर, मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी है, अच्छा खासा कमा ली है, मेरी लाइफ एकदम सेट्यूल है, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास एक रीजन नहीं है कि मैं सुसाइड करूँ, और वैसे सर मैंने अपने देश के लिए जान देने की कसम खाई है सुसाइड करने की। किसी की जान बचाकर बुरी जान इतनी मुश्किल में पड़ जाएगी, ये मैंने सोचा नहीं था सर, सीरियसली। नेताजी और ईशु भी के रास्ते में अब मैं ही मुंडा ढूंढ के लाऊंगी। पापा जी प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज 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 मेरी मदद करो कि मैं अपनी दी के लिए ना ऐसा मुंडा ढूंढ के लाऊं जिसमें जिसमें सब कुछ हो, सच्चाई हो, औरतों की इज्जत करे, अच्छा कमाता हो, पढ़ा लिखा हो, सब कुछ। चाहती थी कि नीता दी के लिए पहले लड़का मिल जाए, लेकिन ये एयरफोर्स ऑफिसर तो छोटा है, 25 साल का, तो यीशु दी के लिए ठीक रहेगा। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सुसाइड करने नहीं गया था? जी अब कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है, माफ कीजिए, वो मेरे को समझने में थोड़ी गलती हो गई, इनकी कोई गलती नहीं होगी। हाँ जी हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं ना अपनी कंप्लेन वापस ले रही हूँ। वो दरअसल बात क्या हुई ना कि जो मैं सोच रही थी ना वो है ही नहीं, और ये जो है ना वो मैं समझ ही नहीं रही थी। अब तुसी ना तुसी इनको छोड़ दो, इनकी कोई गलती नहीं है, मैं कंप्लेन वापस ले रही हूँ, सॉरी जी। ठीक है आप जा सकते हैं। सुनो हेलो, थैंक यू नहीं करना। किस बात का थैंक यू? मैंने तो कंप्लेन वापस ली है। वो तो आपको लेनी ही थी, वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपने कंप्लेन की क्यों। बट इफ यू सो डेस्परेटली वांट मी टू से थैंक यू, देन थैंक यू। अरे हाथ जोड़ में थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मैंने इतनी बड़ी हेल्प की है तो तुम्हें भी तो मेरी छोटी सी हेल्प करनी चाहिए ना। मतलब घबराओ ना, वो क्या है ना कि मेरी छोटी बहन ना 10th क्लास में पढ़ती है और उसका मैथ्स ना एकदम जीरो है, तो मैं उसके लिए ट्यूटर ढूंढ रही थी। उसी तो एयरफोर्स में हो तो मैथ्स अच्छा हो गई, तो थोड़े दिन के लिए उसको मैथ्स पढ़ा दोगे? देखो ऐसे हमारा हिसाब किताब भी बराबर हो जाएगा। नहीं देखिए वो जी आपके घर में खाना तो अच्छा बनता है ना जी? खाना वर्ल्ड का बेस्ट खाना बनता है हमारा, मेरी नीता दी और ईशु दी ना इतना चंगा खाना बनाती है कि तुझे खाने के साथ ना उंगलियां भी चबा दोगे। अब वैसे ना मेरी ईशु दी सुंदर भी बहुत है। बस ही बस, हम दोनों आ रहे हैं आपके घर खाने पे। नहीं नहीं मुझे बहुत काम है। यार कहाँ फंसा रहा यार तू? जरा सोच लो, अगर मैंने इंस्पेक्टर से ये बात कह दी कि तुम सच में सुसाइड करने गए थे, और फिर अगले एक महीने तक तुम्हें अपने सारे के सारे काम यहाँ पुलिस स्टेशन में करने पड़ेंगे। अब सोच लो भाई, ऑप्शन है या तो पुलिस स्टेशन या मेरा घर। जी आपका घर ना, फाइनल डिसीजन जी, मैं और राजवीर कल आपके घर खाने पे आ रहे हैं। पक्का? ओ जी डन, पक्का जी पक्का। चले हाँ, थैंक यू। सत श्रीकाल। चल प्रीतो लग जा काम पे, अब इस लड़के की और ईशु दी की सेटिंग तुझे ही करानी है, क्योंकि ऐसा लड़का और ऐसा मौका फिर भी आने वाला है। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू सो मच। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ये तो सुना था, लेकिन उल्टा चोर एयरफोर्स ऑफिसर को डांटे ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ यार। देख क्या हालत कर दी उसने तेरी। एक तो तूने उसकी जान बचाई, तू तो सिर्फ किसी पुलिस स्टेशन ले जाके ये कहती है कि तू सुसाइड कर रहा है। और तो और उसने पुलिस वाले को बचाने के लिए भी एक शर्त रख दी कि तुझे उसकी छोटी बहन को मैथ सिखानी पड़ेगी। नाउ एयरफोर्स ऑफिसर इज गोना बिकम मैथ टीचर। वाओ। ओके सॉरी, नो जोक्स। राजवीर एक बात बता,
तुझे ट्यूशन के टाइमिंग्स क्या सूट करेंगे, सुबह या शाम को? अब अगर तुमने इतनी सी बकवास की ना तो मैं तेरा क्या हाल करूंगा तू सोच भी नहीं सकता। कहीं मैं जा रहा हूं ना, उस बेवकूफ लड़की को अपने दिमाग से निकालना चाहता है, इनफैक्ट मैं उसे निकाल चुका, समझा? लेकिन घंटी तो अब भी बच सकती है। मतलब? नहीं, मेरा मतलब है दिल की नहीं, फोन की। यू कैन कॉल यू एनी टाइम। वो मैंने तेरा नंबर उसे दे दिया। क्यों? नहीं, वो अगर उसके पास नंबर नहीं होगा तो वो तुझे अपना एड्रेस कैसे बताएगी? तू जाने वाला है ना ट्यूशन पढ़ाने? अरे यार, तूने तो कहा था कि तू उसकी बहन को ट्यूशन पढ़ाने जाएगा, इसलिए मैंने मैंने सोचा कि मैं तब क्या था। सोचा भी तूने था और ट्यूशन पे आने के लिए कहा भी तूने था। मैं बस वहां से निकलना चाहता था इसलिए चुप रहा। मैं ये कप रख कराता हूं और तू जाएगा उसकी बहन को पढ़ाने के लिए। ऑल द बेस्ट। अब राजवीर जाना तो तुझे पड़ेगा ही। जो लड़की तुझे पुलिस स्टेशन ले जा सकती है वो अपने घर से जरूर ले जाएगी। भाई साहब मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वो डब्बे मैंने खोले तक नहीं है, वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। तीन दिन पहले ही आपसे लाई थी, आप वापस ले लोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जी जी बिल्कुल, मैं उन्हें भेज देती हूँ बच्ची को। जी बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। शुक्र है ये पैसे तो बचे, शगुन के बर्तनों पर नाम नहीं लिखवाया होता तो वो भी वापस कर देती। बैठे बिठाए कितना नुकसान हो गया हमारा, इतना सारा सामान खरीदा मीता वास्ते, मुंडा अच्छा होता तो ले देकर कार का खर्चा निकलता है और ऊपर से ये नुकसान। चिंता ना करो कवल जी, सब ठीक हो जाएगा। मेरी चिंता छोड़ो, आप कौन सी चिंता में लगे, क्या लिख रहे हैं पेन से अखबार में? ओए कुछ नहीं, ये दो तीन पब्लिशिंग हाउस के इश्तेहार छपे हैं, उन पर निशान लगा रहा हूँ। अब किसी को प्रूफ रीडर चाहिए, किसी पब्लिशर को असिस्टेंट चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि मुझे छोटी मोटी जैसी तैसी नौकरी मिलती है मैं कर लूंगा। लो मेरी हिम्मत बांधते रहते हो, आज खुद हिम्मत हार कर नौकरियां ढूंढने बैठ गए। कोई जरूरत नहीं है आपको चाकरी करने की, किसी ना किसी तरह हमें कर्जा उतार देंगे। आप बस अपनी नॉवल की चिंता करो। हाँ चलिए देख कर बताइए, कोई इश्तेहार आया अच्छे रिश्ते का या नहीं? ईशु की उम्र भी बढ़ती जा रही है, सोच रही हूँ इस बार दोनों बहनों के लिए एक साथ लड़का ढूंढूंगी मैं। कमल जी आप भी कमाल करती हैं, आप जानती हैं ना दो दिन पहले क्या हुआ, फिर भी आप थोड़े दिन के लिए तो रुक जाइए। मीता बड़ा कितनी दुखी है, कल आई थी गुरुद्वारे से फिर भी रो रही थी, उसके लिए रुक जाइए, उसे पहले दुख से तो उबरने दीजिए। ईशु के लिए कोई अच्छा रिश्ता आता तो हम उसके बारे में जरूर सोचेंगे। पहले तो हमें कर्जों को उतारना चाहिए, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। वो एयरफोर्स ऑफिसर ने ना वो पानी में कूद के ना उस लड़की की जान बचा ली। बड़ा बहादुर है वो एयरफोर्स ऑफिसर, और हैंडसम भी था। वैसे प्रीतो एक बात मेरी समझ में नहीं आई, पानी में कूदा वो था तो कपड़े गोरे कैसे गीले हो गए? वो क्या हुआ ना कि वो पानी में कूदा इतनी तेज था कि सारी छींटे मुझ पे आ गई। अच्छा? हाँ, और वो अरे मीता ये तो मुझे छोड़ के भाग गई थी। भागी नहीं थी, चल के आई हूँ, बगा तो तू रही थी वो भी बिना पानी के। ले चाय पी ले। अब मैं कर हाय मीता दी, तेरे हाथ की बनी चाय, इलायची डाली ना? हाँ डाली ना इलायची, हाकी के लिए बीजी पूरा बाजार ही उठा लाई थी, इलायची तो पूरा भंडार भरा पड़ा रसोई में, बैठे बिठाए इतना नुकसान हो गया। ओहो तो तुझे क्यों नहीं जी लेते, हो जाएगा सब ठीक। नहीं प्रीत तो अगर रिश्ता अच्छा होता ना तो इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता, वैसे ही जैसे तैसे करके घर चलता है,
पैसे भेजे पापा जी को और कर्जा बढ़ गया। मैं अभी आई, मुझे कुछ काम है। रितु, एक बात करनी थी तुझसे। हाँ बोल ना। देख, मुझे सिलाई तो आती नहीं है, लेकिन मैं सोच रही थी ना, तेरे लिए गोटे और सूट के कपड़े ले आया करो। क्या है ना प्रीतु, मैं भी तेरी तरह ना घर चलाने में बीजी पापा जी की मदद करना चाहती हूँ। नीता दी, तू तो पहले ही मुझे की इतनी मदद करती है, सारा घर तो संभालती है, फिर किचन में भी सारा काम करती है। लेकिन प्रीतु, वो सब करने से घर में चार पैसे थोड़े आते हैं। तू जो करती है उससे घर में चार पैसे आते हैं। देख, मना मत करना। तू मना करेगी ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कोई काम नहीं कर सकती। कैसी बातें कर रही हो दादी? वैसे प्रॉब्लम ये है कि तेरे को ना पता ही नहीं है कि तुझमें कितनी सारी खूबी है। बस 24 घंटे अपनी कमियां ढूंढती रहती है। तू सच में काम करना चाहती है ना? तो ठीक है, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तेरा काम रहेगा गोटा खरीदना, कपड़ा खरीदने का। मुझे पता है कि मेरी नीता दी की पसंद ना बहुत अच्छी है। और तू मेरे साथ रहेगी ना तो मेरी हिम्मत भी बढ़ेगी और बाबा जी ने चाहा तो हमारा काम भी बढ़ेगा। और इससे तेरे लूना का पेट्रोल का खर्च भी निकल आएगा और साथ के साथ मेरी जॉगिंग भी हो जाएगी। वो तो एकदम ठीक बोला तूने। चल काम कर ले, मैं और काम देखती हूँ। मुझे पता है नीता दी, जिंदगी ने आपको जो दिन दिखाए हैं, अब आप भी अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाना चाहते हैं। बेशक करिए नीता दी, आपकी हर कोशिश में हम सब आपके साथ हैं। और अब हम आपकी शादी के बाद तभी करेंगे जब आप चाहेंगे। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। लेकिन आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था, और मैंने तो सुना है कि एयरफोर्स वाले अपने प्रॉमिस के एकदम पक्के होते हैं।